और ये वीडियो हमारा किसी बात का उल्लंघन नहीं करता, किसी को हानि नहीं पहुंचाता। अब करते हैं एक फायर और पहली दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप शूटिंग कहीं भी करोगे तो ऐसी जगह मत करें जहां पे पब्लिक प्लेस का थोड़ा खतरा बने रहे, क्योंकि अगर फायर मिस होने के कारण आपको एक्सीडेंट का सामना करना पड़ जाता है। पर ऐसी चीज़ से बचें हमेशा। जब जितनी भी मैं शूटिंग वीडियो बनाता हूं तो थोड़ा सेफली जोन में बनाता हूं मैं, थोड़ा सा दो चार शॉट का मजा लेंगे। तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं? आपसे भी उम्मीद करता हूं सभी भाई अच्छे हों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, आपका दोस्त अजय शूटर, जो कि एक कुछ ब्लॉग लेके आ रहे हैं आपके लिए स्पेशल। और ये आज का ये वीडियो स्पेशल हम कुछ राइफलों पे दिखा रहे हैं, जो कि HDB नाइट्रो है, जो स्नाइपर में है, और PX100 पे हम रिलीज़ कर रहे हैं। तो कुछ दोस्तों के मन में डाउट था कि अजय भाई हमें बताओ, HDB नाइट्रो जो नया मार्केट में है, जो नाइट्रो पिस्टन पे पावर अपने हिट करता है, उसमें सप्रेसर लग सकता है नहीं? बहुत क्वेश्चन ऐसे थे और मन में डाउट भी था कि उन भाई के क्वेश्चन थे कि जिनके पास HDB नाइट्रो अभी तक नहीं पहुंचा या खरीदने की सोच रहे हैं, तो वो मन में डाउट मत रखो, इसी चीज़ से आप समझ गए होंगे। HDB नाइट्रो डिस्कवरी का मैंने इस पर 3940 VTR लगा रखा है, और ये एक स्नाइपर लुक इसने दे दिया, सप्रेसर इस पर सपोर्टेड है, आप लगा सकते हैं, कोई डाउट की बात नहीं है। तो उसका हम आपको रिव्यू दिखा रहे हैं, इसका फायर टेस्ट करेंगे। ये 177 कैलिबर है, और बताना चाहूँगा दोस्तों, इस गन के लिए, इन दोनों गन के लिए कोई लाइसेंस नहीं लगता, कोई भी भाई कहीं से भी वो परचेज कर सकता है अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी घर में आवश्यकता अनुसार, जहाँ भी आपको सूटेबल लगे कि हम शूटिंग टारगेट की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा जो आपके टॉपिक चल रहे हैं मन में वो दूर कर सकते हैं। तो सभी भाई मेरी इस जानकारी से संतुष्ट होंगे बिल्कुल। अगर कोई भी डाउट लगे तो कमेंट जरूर करना, मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो करते हैं हम इसका शूटिंग फायर टेस्ट। इसकी बैरल को हम ब्रेक करते हैं, इसकी बैरल जब ब्रेक करते हैं तो उसका एक अलग ही फील आता है नाइट्रो तरीके से, मतलब उसमें कोई रिक्वायल नहीं है, कोई ऐसा ज़्यादा लोडेड नहीं है। हमने टारगेट कुछ डिस्टेंस पे करीबन 25 से 30 मीटर की डिस्टेंस पे हमने कुछ लगा रखे हैं टारगेट, एक बोतल लगा रखी है, इसका फायर टेस्ट कर रहे हैं स्पेशल हम। कुछ दिनों बाद 2-4 दिन में एक्यूरेसी टेस्ट पर वीडियो रिलीज़ करेंगे। इसका सेफ्टी लॉक यहाँ पे ट्रिगर के पीछे होता है, इसका सेफ्टी लॉक होता है, आगे गया तो अनलॉक, पीछे गया तो लॉक। मतलब आपके कुछ मन में डाउट ये थे, अगर हम एक बार सेफ्टी लॉक को हटा देंगे और फिर बैरल को ब्रेक करेंगे तो क्या दोबारा सेफ्टी लॉक लगेगा? नहीं लगेगा, वो अपने हाथ में होता है, एक बार अगर अनलॉक कर दिया तो अनलॉक ही रहेगा। करते हैं इस पर फायर टेस्ट, फायर के लिए रेडी है, देखते हैं आपको साउंड आए ना आए, पर उम्मीद है ज़रूर आएगा। पहला शॉट सक्सेसफुली हमारा मिस होता हुआ, कोई डाउट की बात नहीं है दोस्तों। स्कोप उस तरीके से मैंने जीरो नहीं किया जिस तरीके से मुझे करना चाहिए था, पर फिर भी थोड़ा बहुत काम चला हुआ है, उम्मीद करते हैं पैटर्न जरूर दिखेगा आपको। लगता हुआ शॉट, मतलब ये कोई रिक्वायल नहीं कर रही है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार कितना स्कोप क्या सटीक कर सकते हो क्या नहीं। थोड़ा सा पास से की बार पूरी राइफल का ले लें टारगेट का लिए ना, ये लुक आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है ब्रांड, और इस तरीके से मैं फायर करूंगा। लगते हुए फाइनली दो शॉट HDB नाइट्रो से कुछ इस तरीके से पैटर्न हमें रिजल्ट मिल रहा है कि हाँ कि ऐसा नहीं है। अब PX100 एथलीट जिसकी मैगजीन यहाँ पे है,
आप अपनी आवश्यकता अनुसार अपने वेपन को किसी भी तरीके से एक उसको एक नया लुक दे सकते हैं, बट सूल लगा के कुछ भी ऐसा बोल्ट एक्शन स्नैपर वगैरह पूरा बना सकते हैं। तो इसके मैं फायर टेस्ट करूँगा और मैं सप्रेसर उतार के करूँगा, थोड़ा सा मुझे साउंड का एक मज़ा आनंद लेना चाह रहा हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ उतर जाए। थोड़ा सा जब ये चलती है, देखो जिस राइफल में साउंड होता है तभी मज़ा आता है, पर हर किसी की फरमाइश अलग अलग है। कोई साइलेंट मोड चलाने की सोचता है, कोई कैसे। उतार दिया है सभी गन पे, सप्रेसर सपोर्ट है, सेफ्टी लॉक अनलॉक करते हैं तो फायर करते हैं। दोस्तों फायर के लिए रेडी है। काफ़ी तगड़ा साउंड है इसका और ये 416/44 SF है। स्कोप भरपूर मात्रा में आ चुके हैं, डिस्काउंट ऑफर में सभी भाई को रिलीज़ करेंगे। जिस भाई को चाहिए तो एड्रेस भेज दो, बोल देना कि अजी भाई स्कोप चाहिए, स्कोप पहुंच जाएगा। शायद आपको साउंड आ रहा होगा, पहला शॉट धोनी राइफल का हमेशा मेरा मिस हुआ है, वो शायद मेरे गॉगल्स की वजह से, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लैक है और शाम होने वाली है, शाम के 5 बजे हैं, इवनिंग टाइम PM। अगर मैं इसको उतार के टारगेट लगाऊंगा, और पहली दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप शूटिंग कहीं भी करोगे तो ऐसी जगह मत करें जहाँ पे पब्लिक प्लेस का थोड़ा खतरा बने रहे, क्योंकि अगर फायर मिस होने के कारण आपको एक्सीडेंट का सामना करना पड़ जाता है, पर ऐसी चीज़ से बचें। हमेशा जब जितनी भी मैं शूटिंग वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा सेफली जोन में बनाता हूँ। आवाज तैड़ फैड़ चीरती हुई, आवाज कुछ ऐसी एक खाली ग्राउंड में बहुत आगे तक गूंज रही है, जैसे कोई रियल का गन। काफी तगड़ा स्कोप है, बल्कि मेरा एक ही शॉट इस पे लगा है। ये मैंने जो हमारा टारगेट बहुत नज़दीक है इसकी अपेक्षा, मैंने इसे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे सेट किया है 0, क्योंकि जितना बड़ा स्कोप होता है उसे उतना एरिया कवर करने के लिए उसे क्षमता होनी चाहिए। जो पैलेट मैं रिलोड कर रहा हूँ, 2-4 पैलेट लगा के, और मैं आपको 1-2 शूटिंग फायर जरूर दिखाना चाह रहा हूँ। आज मैं हॉर्नेट नहीं चला रहा हूँ, आज मैं पैसी पैल चला रहा हूँ 177 कैलिबर, और ये वीडियो हमारा किसी बात का उल्लंघन नहीं करता, किसी को हानि नहीं पहुँचाता। अब करते हैं एक फायर और, शायद लगा होगा, आपको दिख रहा होगा। वो थोड़ा सा टारगेट ऐसे मूव हो रहा है, मुझे पबजी की थोड़ी सी ऐसे ऐसे करके चलाते हैं ना, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। एक आवाज का सच में तगड़ा मजा आ रहा है, इस तरीके से वीडियो बन रहा है आपके बीच। एक शॉट फाइनली SDP स्नाइपर का चलाएंगे, बहुत जल्दी आपके बीच पेश करेंगे एक्यूरेसी टेस्ट वीडियो, जो स्पेशल 375 आर्मर का भी हम रिलीज करने को जाएंगे। लग गया, मतलब जब ये चलती है इतना आवाज़ नहीं कर रही है, पर वो उसके अंदर ज़्यादा थोड़ी सी आवाज़ फील हो रही है। सभी नॉन लाइसेंस रिक्वायरमेंट में है और वीडियो बनाने का थोड़ा सा टाइम स्पेशल मुझे शॉप से थोड़ा जल्दी आना पड़ता है, और सभी भाई के जो पार्सल रास्ते में ट्रेवल हो रहे हैं तो उसके लिए 1-2 दिन और लग सकता है। मतलब मन में ये डाउट मत रखना कि भाई पार्सल क्यों नहीं आया, कुछ अपने भाइयों की जगह ऐसी है वहाँ पे डिलीवर विलेज जो गांव एरिया पड़ता है देहात, वहाँ पे डिलीवरी का ऑप्शन नहीं होता, पर फिर भी हम उसे मैनेज करा देते हैं, उनके ब्रांच भेज देते हैं। तो आज के इस छोटे से कुछ मिनटों के ब्लॉक में आपसे हम जो प्रदर्शन हमने किया PX-100 और साथ में HDB स्नाइपर का किया है, आपको लोएस्ट प्राइस में और सबसे कॉस्टली प्राइस में कौन सी राइफल आपको अच्छी लगती है जरूर कमेंट में बताना। तो दोस्तों आज के कुछ मिनटों के ब्लॉक में इतना ही दोस्तों, बाकी हम आपके बीच पेश होंगे एक नई गन के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई गन से रिलेटेड जरूर हम आपके बीच आते रहेंगे। कोशिश करते हैं हम दूसरे से तीसरे दिन आपके बीच लगे रहते हैं सभी वीडियोग्राफी में। तो आज के कुछ मिनटों के ब्लॉग में इतने दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट में ओके जरूर कर देना, जो इस वीडियो से संतुष्ट हो और मेरी इस इन्फॉर्मेशन से संतुष्ट हो। तो आज की कुछ मिनटों के ब्लॉग में इतने दोस्तों, बाकी हम मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ, छोटी से लेके छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके बीच जरूर आएंगे, हम आते रहते हैं। तो लेते हैं सभी दोस्तों से अलविदा और बाकी सो हैप्पी रहें। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, एवरीवन।